Praise the Lord, everyone. Psalm 12, prayer for help. हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, क्योंकि मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। उनमें से प्रत्येक अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस फोटों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं कि हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे होठ हमारे ही वश में हैं, हमारा प्रभु कौन है। दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के करहाने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा, जिस पर वे फुंकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी परताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब सहायता की बात आती है तो हम सोचते हैं कि हमें सहायता अपने रिश्तेदारों से मिलेगी, हमें सहायता पड़ोसियों से मिलेगी, हमें सहायता जिस भी प्रकार की मदद हमें चाहिए, हम चाहते हैं भाई ये व्यक्ति हमारी बहुत ही सहायता करेगा, अच्छे से करेगा, ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है तो अभी भी मेरी सहायता ज़रूर करेगा। परंतु जब हम उसके पास जाते हैं, सहायता मांगते हैं, तो वो किसी ना किसी प्रकार से हमें मना कर देता है, वो फ़ोन ही पिकअप नहीं करता हमारा, है ना। तो हमें चाहिए कि हम जो हमें सच्ची सहायता प्रदान करता है उसके पास जाएं, यानी कि परमेश्वर। परमेश्वर ही है जो हमें सहायता देगा और परमेश्वर ही है जो हमें हर प्रकार की परेशानियों से निकालेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि गलातियों 6:2 में भी लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ, इस तरह मसीह की व्यवस्था को पूरा करोगे। मेरा आपसे नम्र अनुरोध है कि हम मसीह भाई बहनों को चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें, क्योंकि जब हम सहायता करते हैं तो हम एक दूसरे का भार उठाते हैं और मसीह की व्यवस्था को पूरा करते हैं। क्योंकि मसीह ने अपनी व्यवस्था में कहा है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। लेकिन हम उस व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ आ जाता है, स्वार्थ की भावना आ जाती है। तो आज से हम अपने जीवन के इस स्वार्थ को ख़त्म कर दूसरे लोगों के बारे में प्रार्थना करेंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। यदि हम किसी प्रकार की उनकी पैसों की मदद नहीं कर सकते, सांसारिक मदद कैसी भी नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रार्थना के द्वारा उनकी मदद करेंगे। हम सबको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, एक दूसरे के भार को उठाना है। प्रार्थना के ज़रिए परमेश्वर उनकी सहायता करेगा, प्रार्थना के ज़रिए ही परमेश्वर उनको हर एक मुसीबत से छुड़ा लेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम मिलजुल कर रहें, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन कहता है, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल रहे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपस में मिले रहें, एक दूसरे का भार उठाएं, एक दूसरे का साथ दें, जिससे कि हम परमेश्वर की उस व्यवस्था को जो परमेश्वर ने हमें दी है, हम उसको पूरा कर सकें और परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन कर सकें। परमेश्वर हमसे अत्यधिक प्रेम करता है, उसी तरह हमें भी एक दूसरे के ऊपर अपने प्रेम को प्रकट करना है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दें।